चार फरिश्तों से कि आज के एपिसोड में हम एक ऐसी हस्ती का जिक्र करने वाले हैं जिन्हें उनके बेहतरीन डांस और बेबाक अंदाज के लिए जाना जाता था। ब्लैक एंड व्हाइट फिल्मों से अपना करियर शुरू करने वाली मास्टर जी के नाम से मशहूर स्वर्गीय कोरियोग्राफर सरोज खान की जिंदगी बड़ी अतरंगी थी। यूं तो उनका नाम निर्मला नागपाल था, पर दुनिया ने उन्हें हमेशा सरोज खान के नाम से जाना और फिल्म इंडस्ट्री ने उन्हें हमेशा मास्टर जी के नाम से पुकारा। सरोज मास्टर जी जो बहुत दिलदार और बहुत गुस्से वाली एक साथ थी। 1948 में जन्मी सरोज के माता पिता बंटवारे का दर्द झेलकर बॉम्बे आए थे। बचपन से ही सरोज में कुछ अलग बात थी, शायद इसीलिए वो 3 साल की उम्र से ही अपनी ही परछाई को देखकर नाचा करती थी। एक रोज उनकी माँ नोनी सिंह ने उन्हें ऐसा करते हुए देख लिया और डर गई। उन्हें लगा कि निर्मला शायद किसी मानसिक रोग से ग्रसित है जो ऐसी पागलों वाली हरकतें कर रही है। उन्होंने सरोज जी के पिता से सलाह की और उन्हें डॉक्टर के पास ले गए। डॉक्टर को जब पता चला तो पहले वो खूब हंसा, फिर बोला, अरे भाई डांस करना चाहती है तो करने दो, रोकते क्यों हो? फिर तुम्हारे घर में तो पहले ही रुपये पैसे की तंगी है, इसी के बहाने क्या पता कुछ तंगी दूर हो जाए। इस तरह 3 साल की उम्र से सरोज खान ने फिल्म इंडस्ट्री में कदम रखा और फिल्म नजराना में बेबी साधना के नाम से काम किया। उन्हीं दिनों डांस में क्रांति लाते हुए कथक मास्टर बी सोहन लाल ने दिलीप कुमार और मीना कुमारी की फिल्म आजाद के लिए गाना कोरियोग्राफ किया। गाना था अपलम चपलम और इस गाने ने तहलका मचा दिया। यहां से बी सोहन लाल ने सरोज खान को अपने पास असिस्टेंट के तौर पर रख लिया। सरोज और सोहन लाल की ट्यूनिंग कुछ यूं जमी कि उन्होंने सरोज के भरोसे फिल्में छोड़नी शुरू कर दी। उनका पहला कोरियोग्राफ किया गाना निगाहें मिलाने को जी चाहता है रहा। इसी समय सरोज ने अपने गुरु बी सोहन लाल से शादी कर ली और मात्र 14 साल की उम्र में उन्होंने मास्टर राजू को जन्म दिया जो आगे चलकर नामी डांसर बने। पर उनकी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी नहीं चल सकी और जब उन्हें पता चला कि उनके पति पहले से ही किसी और के पति हैं तो उन्होंने अलग होने का निर्णय ले लिया, जिसे सोहन लाल नहीं माने। नानी सरोज के जीवन में दुखों की जैसे बाढ़ आ गई। इसी दौरान उनका दूसरा बच्चा मात्र 10 महीने की उम्र में गुजर गया। वह उसका क्रियाक्रम करके भारी मन से सीधे सेट पर आ गई। इसके बाद सरोज और सोहन लाल अलग हो गए। यहाँ उन्होंने 3-4 साल का ब्रेक लिया और फिर इंडस्ट्री में नए उत्साह से लौटी। इस दौरान साधना ने उनकी बहुत मदद की। साधना की बनाई पहली फिल्म गीता मेरा नाम में उन्होंने डांस डायरेक्शन के लिए सरोज को ही चुना। इस बीच उन्होंने कई फिल्में कोरियोग्राफ की जिनमें नया दिन नई रात, दोस्त, जमीर, प्रतिज्ञा, मौसम सुपर डुपर हिट रही। 1975 में रिलीज हुई फिल्म शोले के महबूबा महबूबा गाने को भी सरोज जी ने डायरेक्ट किया था। इसी साल सरोज ने अपने जीवन साथी और अपने बच्चों के बाद सरदार रोशन खान से शादी करने के लिए इस्लाम कबूल कर लिया। सरदार रोशन खान से उन्हें एक बेटी हुई। यहीं से सरोज खान के करियर में चढ़ाव आने शुरू हो गए। सन 80 की शुरुआत थी, सब जानते थे कि बॉलीवुड की बेस्ट डांस मास्टर कौन है, लेकिन फिर भी सरोज खान का नाम कहीं नहीं आता था। तब दादा मुनि यानी कि अशोक कुमार ने सरोज को बुलाया और पहले सरोजा नाम रखने का सजेशन दिया, पर जब सरोज नहीं मानी तो सरोज खान के नाम से उनको अपनी फिल्म इंतकाम की आग में क्रेडिट दिलवाया। अगले ही दिन उनके पास द शो मैन सुभाष घई का फोन आ गया और वह बोले, मैं विधाता बना रहा हूँ, इस हफ्ते गाना शूट होना है, आ जाओ। लेकिन सरोज खान के पास डेट्स ही नहीं थी। अगले हफ्ते सरोज खान की माँ का एक्सीडेंट हो गया और उन्हें दुबई जाना पड़ा। एक बार फिर सुभाष घई का फोन आया और एक बार फिर सरोज खान ने ये कहते हुए मना कर दिया कि माँ तो अभी ठीक है, लेकिन मैं आ भी जाऊँ तो मुझे बिंदिया और विनोद की शूटिंग खत्म करवानी है। इतना सुनते ही सुभाष घई भड़क गए और बोले, ये क्या बिंदिया विनोद लगा रखा है, सुभाष घई कुछ नहीं है। इस पर सरोज खान तसल्ली से बोली, अरे नहीं नहीं सुभाष जी, मैं आपके साथ काम करना चाहती हूँ, पर क्या करूँ, डेट्स ही क्लैश हो रही हैं। फिर सुभाष घई ने फिल्म का आखिरी गाना प्यार का इम्तिहान हम देंगे सरोज खान से डायरेक्ट करवाया और यहाँ से सुभाष घई और सरोज खान एक टीम बन गए। विधाता के ठीक बाद जैकी श्रॉफ के साथ सुभाष घई की अगली फिल्म हीरो रिलीज हुई। इसमें भी डांस कोरियोग्राफर सरोज खान का नाम बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया। इसके बाद सरोज खान को एक से बढ़कर एक बड़ी फिल्में मिलने लगी जिसमें स्वर्ग से सुंदर, जाबाज, कर्मा, रामलखन, नाम, जीवा सुपरहिट होने लगी। सन 1987 में सरोज खान अपने जीवन की 2 बेस्ट एक्ट्रेस से मिली और उनके करियर की कामयाबी में नींव बनी। पहली मिस्टर इंडिया की श्रीदेवी थी जिनका गाना हवा हवाई जबरदस्त चला। वहीं 1988 में माधुरी संग तेजाब के गाने 1-2-3 की कामयाबी ने पहली बार सरोज खान को फिल्म फेयर अवार्ड दिलवाया।
यहाँ से सरोज खान ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। फिल्म खलनायक में चोली के पीछे क्या है गाने के लिए सरोज खान को बहुत आपत्तियां भी झेलनी पड़ी, लेकिन इस गाने को भी फिल्म फेयर मिला। एक कोरियोग्राफर के नाते फिल्म फेयर अवार्ड की हैट्रिक मारने वाली वो अकेली मास्टर रही। उन्हें तेजाब, चालबाज और सैलाब के लिए लगातार 3 बार अवार्ड मिले। वहीं 1 साल के अंतराल के बाद उन्हें बेटा और खलनायक के लिए फिर लगातार 2 बार फिल्म फेयर अवार्ड मिले। इसके बाद संजय लीला भंसाली के साथ काम करते हुए उन्हें हम दिल दे चुके सनम और देवदास के लिए भी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। एक अवार्ड उन्हें फिल्म गुरु के लिए भी मिला। जीवन भर इंतजार करने के बाद 2002 में उन्हें पहली बार देवदास के गाने डोला रे डोला के लिए नेशनल अवार्ड से नवाजा गया। फिर साउथ की एक फिल्म और जब वी मेट के ये इश्क हाय के लिए भी नेशनल अवार्ड मिला। अपने बेबाक और मुंहफट अंदाज के लिए जानी जाती सरोज खान ने एक भी दिन आराम नहीं किया। नए कोरियोग्राफर आने के बाद उनके काम में कमी जरूर आई, लेकिन उन्होंने अपने घर से बच्चों को क्लासिकल डांस सिखाना आखिरी सांस तक जारी रखा। उनका मानना था कि हीरोइन को आकर्षक दिखाने के लिए उसके कपड़े उतरवाने की जरूरत नहीं है, आप 6 गज की साड़ी में भी उसे सेक्सी दर्शा सकते हैं। मौजूदा फिल्म फेयर और डांस कोरियोग्राफर फराह खान का मानना है कि मास्टर जी की बदौलत फिल्म इंडस्ट्री में आज महिला डांस डायरेक्टर अपनी जगह बना सकी हैं। बीते कोरोना साल में 3 जुलाई को हार्ट अटैक के चलते उनका निधन हो गया, पर वो अपनी विरासत में भारत की हर बच्ची की आंखों में एक सपना छोड़ गई कि कड़ी मेहनत और लगन से काम करो तो कामयाबी हर हाल में कदम चूमती है।